आज 3-4 दिन पहले ये ऑर्डर्स दिए हैं कि शहर श्रीनगर में जो भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, उसको इमीडिएटली सील किया जाए। ये मैंने रिटन इंस्ट्रक्शंस दी हैं कमिश्नर को और एनफोर्समेंट विंग को। उसमें अब अगर कुछ रिलक्टेंस है, कुछ इनहिबिशन है, वो बिल्डिंग सील नहीं हो रही है, मैं वो भी जानना चाहूँगा वो सील क्यों नहीं हो रही है। मैंने कुछ बिल्डिंग्स ऐसी पाई हैं शहर में जिनके ज़मीन के कागज भी नहीं हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो आगे टीन पर्दा वगैरह लगा के कंस्ट्रक्ट नहीं हुई लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौर में। मैं इस बात पे बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर हूं कि शहर श्रीनगर में अनऑथराइज्ड इलीगल बिल्डिंग नहीं बनेगी। वो कहीं पे भी हो, किसी की भी सिफारिश हो, वो नहीं बनेगी, उसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जहां पे ये बन रही है, हमारा कोई इलाका हो जहां पे ये वायलेशन ज्यादा हो रही है, वहां का फील्ड स्टाफ अकाउंटेबल होगा कि आपके आपकी निगरानी में, आप अगर उस वार्ड ऑफिस में बैठते हैं, आपकी निगरानी में यहां पे ये 4-5-6 बिल्डिंगें कैसे बनना शुरू हुई हैं। अभी मैंने 5-6 वार्ड्स का मुआयना किया है, लगभग 2-3 दर्जन बिल्डिंग्स मैंने ऐसी पाई हैं। मैं शहर के चप्पे चप्पे में मुआयना करूंगा। अगर कहीं पे वो बिल्डिंग कंपाउंडेबल हो, उसमें फाइन हो और लॉ उसकी इजाजत देता है कानून कि इसको आप कानून के दायरे में लाए, तो कानून के दायरे में लाई जाएगी। लेकिन अगर वो कानून के दायरे में नहीं आ सकती है, किसी की भी सिफारिश हो, वो कानून के दायरे में नहीं लाई जाएगी। और एक यहाँ पे एक इंप्रेशन बना है कि अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बनाए कॉलम स्ट्रक्चर, तो एक बार बन गई फिर उसको डिमोलिश कौन करेगा। मैं आपके जरिए ये बताना चाहता हूं कि हमें कोई भी इक्विपमेंट लाना पड़े, हमें बाहर से इक्विपमेंट लाना पड़े, अगर कोई अनऑथराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन 5 माले तक गई है, हम उसको जमीनी सतह तक ले आएंगे। ये वो एक हसबे मामूल होता था, एक ईंट गिरा दी, 2 ईंट गिरा दी, पर्दा लगा दिया, आपका भी काम आपके सर से उतर गया, बिल्डिंग भी रह गई, 3-4 साल बाद वो फिर से बन गई। वैसा नहीं होगा। इफ देयर इज एन इलीगल अनऑथराइज बिल्डिंग, आई विल डिमोलिश इट टू द। आज 3-4 दिन पहले ये ऑर्डर्स दिए हैं कि शहर श्रीनगर में जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, उसको इमीडिएटली सील किया जाए। ये मैंने रिटन इंस्ट्रक्शंस दी हैं कमिश्नर को और एनफोर्समेंट विंग को। उसमें अब अगर कुछ रिलक्टेंस है, कुछ इनहिबिशन है, वो बिल्डिंग सील नहीं हो रही है, मैं वो भी जानना चाहूँगा वो सील क्यों नहीं हो रही है। मैंने कुछ बिल्डिंग्स ऐसी पाई हैं शहर में जिनके ज़मीन के कागज भी नहीं हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो आगे टीन पर्दा वगैरह लगा के कंस्ट्रक्ट नहीं हुई लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौर में। मैं इस बात पे बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर हूं कि शहर श्रीनगर में अनऑथराइज्ड इलीगल बिल्डिंग नहीं बनेगी। वो कहीं पे भी हो, किसी की भी सिफारिश हो, वो नहीं बनेगी, उसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है।